करोड़ों साल पहले के विलुप्त हो चुके तीन ऐसे अनोखे जीव जिन्हें वैज्ञानिक वापस से जिंदा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। नंबर वन, वुली मैमथ। मैमथ एक ऐसा विलुप्त जीव है जिसमें वैज्ञानिकों की दिलचस्पी काफी ज्यादा है, क्योंकि मैमथ के विलुप्त होते समय कई मैमथ ऐसे भी थे जो जिंदा ही बर्फ में जम गए थे, और जिसकी वजह से जब वैज्ञानिकों ने उन्हें ढूंढा तो आज भी उनका शरीर और डीएनए वैसे का वैसे ही था जैसे हजारों साल पहले हुआ करता था। तो वैज्ञानिक इनके डीएनए को आज के हाथियों के डीएनए से मिलाकर वापस से मैमथ को जिंदा करेंगे। नंबर टू, सेबर टूथ टाइगर। हजारों साल पहले का सबसे खतरनाक शिकारी सेबर टूथ टाइगर दोबारा से जिंदा होने वाले हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को सेबर टूथ के कई ऐसे फॉसिल मिले हैं जिनमें इनका डीएनए आज भी सुरक्षित है। तो वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हैं कि इनके डीएनए को लायन और टाइगर के डीएनए से तैयार करके सेबर टूथ को वापस लाया जाए। नंबर थ्री, डोडो बर्ड। डोडो एक उड़ना सकने वाला बड़े आकार का पक्षी था। इनके मिले गए अवशेषों की मदद से कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि वो इन्हें दोबारा से जिंदा कर सकते हैं।